क्योंकि हमारा ये जो टाइप है जो ट्राइंगल है ये कैसा है इसके लीन ट्राइंगल है सो यू हैव टू यूज़ हिरॉन्स फार्मूला इन इट सो जस्ट एट फिफ्टीन इलेवन एंड सिक्स डिवाइडेड विद टू फिफ्टीन प्लस इलेवन एंड प्लस सिक्स विल गिव यू थर्टी टू थर्टी टू डिडेड बाई गिव यू सिक्सटीन मीटर एस की वैल्यू आ गई आपके पास अब आपने क्या फाइंड आउट करना है एरिया एरिया कैसे फ़ाइंड आउट करोगे इट विल बी एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी तो आपने एस की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है इट विल गिव सिक्सटीन देन यू विल है माइनस फिफ्टीन देन यू हैव सिक्सटीन माइनस इलेवन दैन यू हैव सिक्सटीन माइनस सिक्स अब आपने क्या करना है रिड्यूस करना है सारी वैल्यूज़ को सो इट विल गिव सिक्सटीन 16 माइनस फिफ्टीन इज़ वन 16 माइनस एलेवन इज़ फाइव सिक्सटीन माइनस सिक्स इज़ टेन अब वैल्यूज़ को रिड्यूस करो और एरिया फाइंड आउट कर लो जैसे कि सिक्सटीन सिक्सटीन को आप कैसे लिख सकते हो यू कैन राइट इट एज़ टू इंटू टू फोर हो गया टू इंटू टू फाइव तो एज इट इज़ रहेगा टेन को कैसे लिख सकते हैं टू इंटू फाइव अब टू के दो पेयर्स बन रहे हैं फाइव के दो पेयर्स बन रहे हैं लेकिन एक टू अकेला रह रहा है तो उसको हम रूट में रखेंगे बाकी सारे बाहर आ जाएंगे तो आपके पास बाहर क्या बचा एक तो ये वाला स्क्वायर का पेयर निकलेगा टू टू हो गया टू इंटू टू फोर फोर इंटू फाइव इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी रूट टू मीटर स्क्वायर अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया मैं एक बार आपको साइड में करके दिखा देती हूँ कि कैसे आया ये रिड्यूस होके एक बन रहा है पेयर टू का स्क्वायर दूसरा बन रहा है टू का स्क्वायर तीसरा बन रहा है फाइव का स्क्वायर तो ये सारे के सारे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे और रूट में सिर्फ एक वैल्यू बचेगी वो है ये टू की ठीक है बाकी बाहर आ गया टू इंटू टू फोर फोर इंटू फाइव इज ट्वेंटी सो येस दिस इज़ द एरिया ऑफ द painted wall now we'll be moving to next question which is the fourth question